खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितनी बढ़ी डीमैट खातों में पैन और बैंक डिटेल अपडेट करने की तारीख। वंदे भारत ट्रेनों में क्यों बंद हुई पैकेज फूड की बिक्री और कहां हो सकती है 4 से 5 हजार कर्मचारियों की छटनी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स का पहला टिफिन अगर खोलते हैं तो उसमें से निकल कर आती है डीमैट खातों से जुड़ी खबर। शेयरधारक नियामक संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने डीमैट खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए डीमैट अकाउंट में नामांकन करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले मार्च में ही नियामक ने यह सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी। अब एक बार फिर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सेबी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए पैन और KYC डिटेल जमा करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। ये टाइम लिमिट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 हो गई है। अब अगले टिफिन में जो खबर है वो शायद आपको मायूस कर सकती है। करीब एक हफ्ता पहले बायजूस का इंडिया बिजनेस संभालने वाले अर्जुन मोहन ने कंपनी की स्थिति को सुधारने का अब पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी रीस्ट्रक्चर के दौर से गुजर रही है जिसमें 4,500 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है। जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार नए CEO की देखरेख में पूरा काम हो रहा है। इससे कंपनी पर से पैसों का बोझ कम होगा, साथ ही कैश फ्लो में भी इजाफा देखने को मिलेगा। नौकरियों में कटौती से बायजूस का संचालन करने वाली इकाई थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के भारत के कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार इसमें आकाश भी शामिल होगा। अगली खबर रेलवे से जुड़ी है। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे की ओर से एक सर्कुलर में बताया गया है कि अगले 6 महीनों के लिए वंदे भारत ट्रेन में पैकेज्ड फूड सर्व नहीं किया जाएगा। रेलवे ने ये फैसला हेल्थ हाइजीन और कंज्यूमर रिस्पांस के बाद लिया है। इस सुविधा को एयरलाइंस की तर्ज पर ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया है। UPI से पेमेंट तो खूब कर रहे होंगे आप लोग, तो अगली खबर इसी से जुड़ी है। अगस्त 2023 में देश में UPI पेमेंट का आंकड़ा बढ़कर 10 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसके पीछे पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन की बड़ी भूमिका रही है। इसका मतलब है कि ग्राहकों से दुकानदारों को किए जाने वाले ट्रांजैक्शन में UPI का योगदान सबसे तेजी से बढ़ा है। वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी मिली है। अब फ्रेशर्स को नौकरी के ज्यादा मौके मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में फ्रेशर्स के लिए नौकरी के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे। टीम लीज के अनुसार यात्रा, ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री में फ्रेशर्स के लिए मांग 15% बढ़ने का अनुमान है। पहली छमाही में ये मांग 10% थी। इस सेक्टर में 5 ऐसी भूमिकाएं हैं जहां नए लोगों को नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये 5 भूमिकाएं हैं F&B सहयोगी, यात्रा सलाहकार, कार्यक्रम संयोजक, जूनियर शेफ और कारोबार विकास कार्यकारी। अब अगले टिफिन में है चीनी। सप्लाई और डिमांड में भारी अंतर आने के चलते चीनी की कीमत 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 19 सितंबर को चीनी की कीमत बढ़कर $27.5 पर पहुंच गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस साल अभी तक चीनी की कीमत में करीब 30% का उछाल देखने को मिला है। खास बात यह है कि चीनी की बढ़ती कीमत से अमेरिका भी अछूता नहीं है। यहाँ पर अभी भी चीनी $27 के करीब कारोबार कर रही है। हालांकि भारत में केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए चीनी की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। सरकार 13 लाख टन चीनी का कोटा खुले बाजार में जारी कर सकती है। अब इसी के साथ हम लोग खोलते हैं लंच बॉक्स का आखिरी टिफिन। बैंक को अपने ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि RBI ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों की शिकायतों को सवालों की श्रेणी में ना रखें। अभी तक बैंक ग्राहकों की शिकायतों को सवाल के रूप में वर्गीकृत कर उनके समाधान से बचते थे, लेकिन अब RBI ने ऐसा ना करने को कहा है। RBI का कहना है कि ऐसा करने से समस्या को समझने में मदद मिलेगी और उसके खिलाफ सही कदम उठाया जा सकेगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो Money9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे Money9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।